तो बच्चों अब करेंगे हम सेवन्थ क्वेश्चन, और बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू वन से लेकर एट तक है, ठीक है, और मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ईजी है बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट, देखो ये इक्वल्स, अगर ये इक्वल्स टू होता तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल काट देता हूँ मैं इसको। देखो ये टू वन जा, टू टू जा, कट गया ये, तो देखो कितना ईजी हो गया। और डायरेक्ट डायरेक्ट ये हो जाएगा, अब ये हो गया 2x-3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, मैं इसको इधर फेंक सकता हूँ टू को, तो ये देखो टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ठीक है। ये -3 है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3+2 कितना 5। और अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाने वाली, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2, तो 5/2, ठीक है 5/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2.5, 2.5, 2.5 या 2.5 से बड़ा। तो बच्चों 2.5 से बड़ा ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है बच्चों, 2.5 से बड़ा, 2.5 से बड़ा क्या होगा बच्चों, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो जो x की वैल्यू हो गई बच्चों अब कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी 3 4 5 6 7 और 8, मेरी x की वैल्यू हो जाने वाली है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ऐसे ही क्वेश्चन देखो कितना इजी इजी होने वाले हैं हमारे। तो ऐसे ही हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।